कई फोटोग्राफर ना हवाबाजी में आकर कैमरा तो ले लेते हैं, पर उनको फिर वर्क नहीं मिलता है, उनका वर्क फ्लो वैसा होता नहीं है, वैसी क्वालिटी नहीं देते हैं। अक्सर क्या होता है, एक बंदा अपने फोटोग्राफर दोस्त को देखता है कि वो भाई ऐसे मैनेज कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर वो क्या करते हैं, वो दोस्त ना सेम कैमरा ले लेते हैं और काम चालू कर देते हैं। बट भाई सीन इधर डिफरेंट होता है, उसने बहुत टाइम उसमें दिया होता है, बहुत सारी चीज़ें उसने की होती हैं, तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुंचता है। भाई तो हवाबाजी में मत पड़ो, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं इस कैमरे में और उसका रिजल्ट आपको हो सकता है जीरो मिले। तो आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त आपके आसपास भी होंगे जिन्होंने कैमरा परचेज कर लिया है, बट सिर्फ वो हवाबाजी करते हैं, उनकी चीज़ों में वो क्वालिटी है नहीं और फिर वो ना रेट खराब करते हैं, मार्केट की पूरी हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ खराब करके रख देते हैं। कुछ भी दे रहे हैं लोगों को, कुछ भी दे रहे हैं और लोग भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और अगर क्लाइंट ये सोच रहा है कि उसको उससे बेनिफिट हो रहा है, तो उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है बॉस, क्योंकि आपकी वेडिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट ऑलरेडी निकलने वाला था, आपने उस फोटोग्राफर को करके रिजल्ट उस टाइप का अचीव किया ही नहीं।